कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालयों में किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी, उसके लिए 8 तारीख को एक आदेश पारित किया था, जिसके परिपालन में रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जो 31 जनवरी तक के लिए लागू किया गया है। उच्च न्यायालय ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालयों में किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी, उसके लिए 8 तारीख को एक आदेश पारित किया था, जिसके परिपालन में रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जो कि कल 11 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए लागू किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उक्त अवधि में मात्र सुपुर्दनामा का प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में जमा दावा राशि आरण से संबंधित मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा के निराकरण हेतु निर्देशित सिविल एवं दंडित मामले और अत्यंत आवश्यक प्रकृति के लिए सिविल एवं दंड मामले में संबंधित न्यायालय सुनवाई हेतु अनुमति प्रदान करें। विचाराधीन बंदियों के प्रकरण में संबंधित न्यायालय द्वारा तिथि दी जाएगी। उक्त प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदन पर संबंधित न्यायालय विचार कर सुनवाई करेगी। नए प्रकरणों की फाइलिंग हेतु सेंटर फाइलिंग सेक्शन खुला रहेगा। न्यायालय परिसर में बगैर मास्क के आना प्रतिबंधित रहेगा। न्यायालय परिसर में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। साथ ही समय समय पर सैनिटाइजर का भी उपयोग करने के लिए कहा गया है। पुलिस कर्मी और बंदियों की सीमित संख्या में न्यायालय के समक्ष पेश होंगे। अधिकतम प्रकरणों की सुनवाई हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा 8 जनवरी 2022 को आदेश पारित किया गया है कि कोविड संक्रमण के बढ़ते स्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही किस प्रकार से की जाएगी, जिसके परिपालन में हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रमा शंकर प्रसाद जी के द्वारा 10 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी किया गया है कि 11 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक के लिए तिथियों को स्थगित कर दी गई है, जिसमें से अर्जेंट प्रकार की कार्रवाई है जिसको किया जाना है, जिसमें रिमांड प्रकरण, सुपुर्दनामा का प्रकरण, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले जिसमें पैसों का लेन देन होना है, जहाँ पर पैसा जमा होना है और पैसा निकालना है, ऐसे मामले और फैमिली कोर्ट में धारा 125 और 127 के मामले हैं, जिसमें अंतरिम राहत राशि के लिए आवेदन निराकृत करने का प्रावधान है। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई प्रकरण है, उनका भी निराकरण किया जाना है। अपील और क्रिमिनल फ्यूजन, इनका भी निराकरण किया जा सकता है। साथ ही अन्य जो आपराधिक मामले या सिविल मामले हैं जो अर्जेंट प्रकृति के हैं, जैसे कहना चाहिए कहीं पे स्टे लेना है, कहीं पे स्टे खारिज करवाना है, किसी को कोई आम जनता को बाधा हो रही है किसी काम से, तो इस प्रकार के भी कार्य को किए जाने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित किया गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोविड संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए इस प्रकार का आदेश निकाला गया है, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक न्यायालय पर आना ना पड़े और पक्षकारों के साथ साथ वकील या न्यायिक कर्मचारी या न्यायाधीशगढ़ कोई संक्रमित ना हो, इसी को बचाव के उपाय के रूप में देखा गया है। पूर्व भी हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था, जिसका परिपालन संपूर्ण आम जनता, पक्षकार और वकील समाज, साथ ही न्यायाधीशगढ़ कर्मचारी का भी पालन किए थे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।